हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम हॉस्टल मूवी के दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की कहानी को काफी अच्छे से समझने के लिए पहले आपको हमारी ये वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने हॉस्टल मूवी के पहले पार्ट को एक्सप्लेन किया है। अब चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है जहां हमें पहले पार्ट के एंड वाले सीन को दिखाया जाता है, जहां पैक्सटन उस बिजनेसमैन को जान से मार देता है और ट्रेन में जाके बैठ जाता है। उस समय पैक्सटन की कंडीशन बहुत ही खराब होती है और जब पुलिस उसे ऐसे कंडीशन में देखते हैं तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। हॉस्पिटल में उसे कुछ लोग मिलने आते जो उसे स्लोवाकिया के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। साथ ही पैक्सटन उसे हंटिंग क्लब का निशान भी बताता है, जो कि ब्लड हाउंड डॉग का टैटू होता है। ये टैटू उनके कार्ड से लेकर सभी लोगों के हाथों पर होता है जो वहाँ काम करते हैं। पैक्सटन जब उन्हें सारी बात बता देता है तब वो आदमी रूम का गेट बंद कर देते हैं और पैक्सटन को अपने हाथ पर बने टैटू को दिखाते हैं और उससे पूछते हैं क्या ये वही टैटू है। अब पैक्सटन यह कुछ सोच पाता उससे पहले ये लोग उसे मार देते हैं। इतने पर ही पैक्सटन की नींद खुलती है और हम देख पाते हैं कि ये पैक्सटन का एक बुरा सपना होता है। स्लोवाकिया में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उससे वो अभी तक उभर नहीं पाया था और वो अपनी जिंदगी काफी डर के जी रहा था कि कहीं वो लोग उसे आके मार न दे। इसीलिए वो अपने गर्लफ्रेंड स्टेफना के साथ उसके नानी के यहाँ रह रहा था। पैक्सटन ने अभी तक इसके बारे में पुलिस को भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने इसके बारे में पुलिस को बता दिया तो कहीं वो लोग पैक्सटन को ढूंढ ना ले। इस सब के वजह से पैक्सटन काफी ज्यादा बदल गया था और हमेशा गुस्से में ही रहने लगा था। इसी वजह से एक दिन स्टेफना से उसकी बहस हो जाती है और वो यहाँ से चला आता है। अगली सुबह जब स्टेफना पैक्सटन को ढूंढते हुए किचन में जाती है तो वो देखती है कि पैक्सटन मर चुका है और कोई उसके सर को काट के अपने साथ ले गया है। उसके बाद हम हंटिंग क्लब के मालिक सासा को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी बॉक्स लेके आता है और सासा उसे अप्रिशिएट करता है। अगले सीन में हमें तीन अमेरिकन स्टूडेंट लॉर्ना, बेटनी और बेट को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आर्ट क्लास अटेंड कर रही होती है। वो तीनों मॉडल एक्सेल की पेंटिंग बना रही होती है। इनकी क्लास जब खत्म हो जाती है तब एक्सेल इनके पास आती है और अपनी स्केच दिखाने के लिए कहती है। स्केच उतना भी अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी एक्सेल उसे खरीदने की जिद करती है, इसीलिए बेत उसे स्केच फ्री में ही दे देती है और तीनों फ्रेंड प्राग घूमने के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन में बेत और बेटनी ड्रिंक लेने जाते हैं और लॉर्ना कैबिन में ही रुकती है। जब दोनों कैबिन से बाहर निकलते हैं तब उनसे एक अजीब आदमी आके टकराता है, पर वो इस आदमी को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तब वो एक्सेल को वहीं देखते हैं और उसे देख के ये हैरान हो जाते हैं। बेत उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो एक्सेल कहती है कि जब मैंने सुना कि तुम लोग प्राग घूमने जा रहे हो तो मैंने भी वहां जाने का मन बना लिया। दूसरी तरफ वही अजीब आदमी जो बेत और बेटनी से टकराया था वो काफी देर से लॉर्ना को घूर रहा था, और जब बेत और बेटनी वापस कैबिन में आते हैं तब देखते हैं कि लॉर्ना रो रही होती है। लॉर्ना उन्हें बताती है कि एक आदमी उसे उसका आईपॉड छीन के ले गया है। उसी वक्त एक्सेल वहां आती है और लॉर्ना का आईपॉड उसे दे देती है। वो कहती है एक आदमी ने उसे उसकी पर्स छीनने की कोशिश की थी और इसी दौरान उसके पॉकेट से ये गिर गया। एक्सेल की बातों पर तीनों यकीन कर लेते हैं और उसे अपने कैबिन में बिठा के उसके साथ ड्रिंक करने लगते हैं। तब एक्सेल उन्हें कहती है कि हम स्लोवाकिया चलते हैं, वहां हमें काफी मजा आएगा, और मजे की तलाश में तीनों निकले होते हैं, इसीलिए वो उसकी बात मान जाते हैं। फिर वो तीनों उसी होटल में रूम बुक करते हैं जहां पैक्सटन और उसके फ्रेंड रुके थे। साथ ही रिसेप्शनिस्ट उन्हें रात में होने वाले फेस्टिवल के लिए इनवाइट करता है। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट उन तीनों के पासपोर्ट को स्कैन करता है और ऑनलाइन अपलोड कर देता है, जिसे पूरी दुनिया के अमीर लोग देखते हैं और उनका रेट लगाने लगते हैं। उन अमीर लोगों में टॉड नाम का एक आदमी होता है जो बेत और बेटनी का सबसे ज्यादा बोली लगाता है। इसके बाद टॉड अपने फ्रेंड स्टुअर्ट को इसके बारे में बताता है और साथ में स्लोवाकिया चलने के लिए कहता है। दोनों जब स्लोवाकिया पहुंचते हैं तब उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट किया जाता है। रात में तीनों लड़कियां एक्सेल के साथ उसी फेस्टिवल में जाती है जहां टॉड और स्टुअर्ट भी होते हैं, जो कि उन्हें ही घूर रहे होते हैं। दरअसल इस फेस्टिवल में जितने भी लोग होते हैं वो अभी अपनी खरीदे हुए टूरिस्ट को देख रहे होते हैं और इस फेस्टिवल को इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया होता है। यहाँ बेटनी लॉर्ना को बताती है कि बेट की मदर ने मरते वक्त अपनी सारी प्रॉपर्टी बेट के नाम कर दी थी और वो इतनी अमीर है कि वो पूरा स्लोवाकिया खरीद सकती है। वो सभी इंजॉय कर रहे होते हैं पर लॉर्ना अकेली बैठी होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे डांस के लिए ले जाता है। वहीं बेत के पास भी एक लड़का आता है, लेकिन बेत उसे मना कर देती है। इस पर लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, और ये कह के वो यहाँ से चला आता है। उसके बाद बेत के पास रिसेप्शनिस्ट आता है और उसे एक ड्रिंक देता है, जिसे बेत फेंक देती है जहाँ स्टुअर्ट खड़ा होता है। इसके बाद बेत उसे सॉरी कहती है और ड्रिंक ऑफर करती है। बेत जब ड्रिंक लाने जाती है तब लॉर्ना उसके पास आती है और कहती है कि वो आदमी मुझे बोट पर ले जाने के लिए कह रहा है, पर बेट उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि हम अजनबी लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और वो ड्रिंक लेकर स्टुअर्ट के पास चली जाती है। ड्रिंक करते करते दोनों बातें करते हैं और जब बेत जाने लगती है तो स्टुअर्ट उसे गुड नाइट बेत कहता है। ये सुन के बेत सोच में पड़ जाती है कि उसे उसका नाम कैसे पता है, जबकि बेत ने उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। इस पर स्टुअर्ट कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना था,
इसके बाद बेट लॉर्ना को देखती है जो कि उस आदमी के साथ बोट पे जा रही होती है। जिस आदमी के साथ लॉर्ना जा रही होती है उस आदमी का नाम रोमन होता है। वो लॉर्ना को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और कुछ लोग वहाँ लॉर्ना को पकड़ लेते हैं। उधर बेट और बेटनी हॉस्टल जाते हैं और एक्सेल लॉर्ना के लिए फेस्टिवल में ही रुक जाती है। ये जब हॉस्टल में आते हैं तो देखते हैं कि सामने वाले रूम में दो आदमी होते हैं जो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं, और जब वो बेट को देखते हैं तो अपना गेट बंद कर लेते हैं। वहीं बेट और बेटनी एक्सेल के साथ स्पा में एंजॉय करते हैं और सोचते हैं कि लॉर्ना भी रोमन के साथ एंजॉय कर रही होगी। लेकिन उधर लॉर्ना तकलीफ में होती है और उसे बार टॉप के ऊपर लटकाया गया होता है। फिर उस बार टॉप में एक लेडी आके लेट जाती है और लॉर्ना के शरीर पर काफी सारे कट्स लगाती है। लॉर्ना के ब्लड से वो लेडी नहाती है और फिर वो उसका गला काट देती है। उधर हम बेट को देखते हैं जो स्पा में सोई होती है, और जब वो उठती है तब वहाँ कोई नहीं होता और वो बिल्कुल ही अकेली होती है। वो बेटनी को खोजती है पर तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं और वो बेट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर बेट एक दीवार पर चढ़ के दीवार के उस साइड चली जाती है और मेन रोड पर आ जाती है। रोड पर उसे वही लड़का मिलता है जिसने उसे फेस्टिवल में डांस के लिए पूछा था। बेट उससे मदद मांगती है पर वो लड़का उसकी मदद नहीं करता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद बेट जंगल की तरफ भागती है जहाँ कुछ क्रिमिनल बच्चे आ जाते हैं और वो बेट को बहुत मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक्सेल आ जाती है और वो बेट को ले जाती है। उस वक्त एक्सेल के साथ सासा भी होता है। वो उन बच्चे को लाइन में खड़ा कर देता है और उन्हें किसी एक बच्चे को आगे फेंकने के लिए कहता है। वो बच्चे एक लड़के को आगे कर देते हैं जिसे सासा गोली मार देता है, पर इस बात का उन बच्चों पर कोई असर नहीं होता और बच्चे वहां से चले जाते हैं। एक्सेल बेट को सासा के घर पर ले जाती है और उस घर में एक्सेल की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग होती है। उधर वेटनी एक औरत के साथ होती है जो कि उसे उन क्लाइंट के लिए रेडी कर रही होती है, पर वेटनी उस औरत को मार के वहां से भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती है क्योंकि उस जगह पर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं और वो उसे चारों तरफ से लॉक कर देते हैं। उधर बेट जब एक्सेल के रूम में आती है तब वो वही आदमी की फोटो देखती है जिससे वो ट्रेन में टकराई थी। उसी फोटो के बगल में एक और फोटो होती है जिसमें एक्सेल के साथ नतालिया और स्वेटलाना होती है। इन दोनों लड़कियों को हमने हॉस्टल पार्ट वन में देखा था। फिर बेट जब विंडो से बाहर देखती है तब वहाँ पे वही गार्ड्स होते हैं जो उसे स्पा में पकड़ने आए थे। इससे बेट समझ जाती है कि एक्सेल भी इन सभी के साथ मिली हुई है और वो अपने आप को एक वार्ड रूम में बंद कर लेती है। वही वार्ड रूम में उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ बहुत सारे लोगों का सर एक ट्रॉफी की तरह रखा होता है और इन्हीं में पैक्सटन का भी सर होता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और वो बेट को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ टॉड और स्टुअर्ट तैयार होकर उस जगह पे आ जाते हैं। फिर दोनों अपने अपने कपड़े बदलते हैं और अलग अलग रूम में चले जाते हैं। स्टुअर्ट जब बेट को देखता है तो घबरा जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था पर अपने फ्रेंड के कहने पर आ गया। वो बेट को खोल देता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर जब बेट दरवाजे तक जाती है तब स्टुअर्ट उसे पीछे से मारता है और दोबारा बांध देता है। दूसरी तरफ टॉड बेटनी को टॉर्चर कर रहा होता है। वो पावर कटर की मदद से उसे टॉर्चर करता है। वो पावर कटर उसके सर पर चलाता है जो उसके स्कल्प में जाके फंस जाता है, और बेटनी को देख के उसे काफी घिन आता है तो वो उसे उसी हालत में छोड़ के जाने लगता है। लेकिन उस क्लब का रूल होता है कि कोई भी अपने क्लाइंट को बिना मारे यहाँ से नहीं जा सकता है, इसीलिए वो लोग अपने कुत्ते को उसके ऊपर छोड़ देते हैं जो टॉड को मार के खा जाते हैं। उसके बाद वो बेटनी के सर पर पट्टी बांध देते हैं और अपने क्लाइंट को उसकी फोटो दिखा के सस्ते में बेचने की कोशिश करते हैं। इस ऑफर को लेके वो स्टुअर्ट के पास भी जाते हैं और स्टुअर्ट इसके लिए हाँ बोल देता है क्योंकि बेटनी बेट की फ्रेंड होती है। स्टुअर्ट बेटनी को मार देता है और उसका नेकलेस लेके बेट को पहना देता है। बेट यहाँ अपने आप को बचाने के लिए स्टुअर्ट को सीड्यूस करने लगती है और स्टुअर्ट भी उसके चाल में फंस जाता है। वो बेट के हाथ पैर खोल देता है और उसे लेटा देता है, पर मौके का फायदा उठा के बेट उसके सर पर हमला करती है और उसे कुर्सी से बांध देती है। उसके बाद गार्ड्स भी यहाँ आ जाते हैं तो बेट स्टुअर्ट पर गन पॉइंट करती है और गार्ड्स को कहती है कि मैं इसे मार दूंगी। बेट गार्ड से डिमांड करती है कि सासा को यहाँ बुलाया जाए। फिर सासा यहाँ आता है और बेट उससे उसे छोड़ने की कीमत बोलने के लिए कहती है। सासा कहता है कि सिर्फ कीमत ही मसला नहीं है बल्कि यहाँ जो आता है वो बिना किसी को मारे यहाँ से नहीं जा सकता है, इसलिए बेट बिना कुछ सोचे स्टुअर्ट को मार देती है। उसके बाद वो ब्लड हाउंड डॉग का टैटू बनवाती है और वहाँ की मेंबर बन जाती है। इसके बाद वो बच्चे जिन्होंने बेट के ऊपर हमला किया था वो एक्सेल को जंगल में लेके आते हैं और बेट उसे जंगल में मार देती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 और ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।